अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वॉच बिफोर बाय। माय नेम इज अल्ताफ एंड आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से मेरे वीडियोस पे काफी कमेंट आते हैं कि भाई हमें आईफोन 12 मिनी एंड 13 मिनी के बारे में बताओ, क्या ये दोनों ही मॉडल्स हमें जो है फ्लिपकार्ट बीबीडी सेल पे देखने के लिए मिलेंगे और क्या प्राइस आ सकता है, बिकॉज काफी लोगों का जो है बजट थोड़ा सा टाइट है तो उनको जो है मिनी मॉडल्स के साथ जाना है, बट मिनी मॉडल्स के साथ जो है आपको थोड़े कॉम्प्रोमाइजेस थोड़े समझौते भी करने पड़ेंगे, तो उसके बारे में भी बात करेंगे और कितना प्राइस आ सकता है और क्या ये आपको देखने के लिए मिलेगा फ्लिपकार्ट बीबीडी सेल पे, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आईफोन 12 मिनी के बारे में बात तो जो iPhone 12 में आपको सारे फीचर्स मिलते हैं ना, वही सेम सब कुछ जो है आपको iPhone 12 mini में भी देखने के लिए मिलता है। बस आपको यहाँ पे जो है दो कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे 12 mini के साथ। सबसे पहले जो है 12 की स्क्रीन जो है 6.1 इंचेस है और 12 mini की जो है 5.4 इंचेस है, तो यहाँ पे जो अच्छा खासा फर्क आ जाता है। 12 mini की स्क्रीन जो है सच में काफी ज्यादा छोटी लगती है, काफी टाइनी से कॉम्पैक्ट सा फोन है जिसको जो है कॉम्पैक्ट सा फोन रखने की आदत है, यानी कि एकदम जेब में जो है हल्का फुल्का हो लेकिन उनके सारे जो है काम कर सके, एकदम पावर बेस्ड फोन हो, तो डेफिनेटली आप जो 12 mini की तरफ जा सकते हो। और साथ ही साथ जो है छोटे डिस्प्ले साइज के साथ साथ आपको बैटरी भी छोटी दिखने के लिए मिलती है। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं बात करूं iPhone 12 के बारे में तो तकरीबन 2815 mAh की बैटरी है और वहीं पे 12 mini में जो है हमें 2227 mAh की बैटरी देखने के लिए मिल जाती है, जो कि 12 के मुकाबले में काफी ज्यादा कम है। तो यहाँ पे 12 mini को जो है अगर आप थोड़ा सा हैवी टास्क वगैरह करते हो तो दिन में दो बार चार्ज करना पड़ सकता है, उतना बैटरी बैकअप जो है सही नहीं है। टू बी ऑनेस्ट आपको यहाँ पे दो बार चार्ज करना पड़ सकता है दिन में, तो बस यही दो कॉम्प्रोमाइजेस है कि एक तो डिस्प्ले स्क्रीन साइज छोटी है, सेकेंडली आपका जो है यहाँ पे बैटरी भी जो है आपको कम देखने के लिए मिलती है। बाकी सारे फीचर जो 12 में आपको देखने के लिए मिलते हैं वही सब कुछ है। अब बात करें कितना प्राइस आ सकता है, तो यहाँ पे देखिए लास्ट ईयर ऑलरेडी जो है iPhone 12 मैंने फ्लिपकार्ट पे भाई बहुत ही तगड़े प्राइस में आया था, नियर अबाउट 33,999 में आया था, जिसके बाद भी जो है लोगों ने बैंक कार्ड ऑफर्स वगैरह लगा के इसको जो है 33,000-32,000 तक भी बाय कर लिया था, जो कि भाई बहुत ज्यादा तगड़ी डील थी। बट इस साल बात करें देखिए 12 मिनी जो है ऑलरेडी अभी आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है, 12 मिनी एंड 13 मिनी दोनों ही आउट ऑफ स्टॉक चल रहे हैं, बट 12 मिनी ऑलरेडी लास्ट ईयर आकर जा चुका है, तो इस बार बहुत ही कम चांसेस कि शायद 12 मिनी के बदले 13 मिनी आ जाए और 12 मिनी नहीं आए, बिकॉज लास्ट ईयर जो है 13 मिनी हमें नहीं देखने के लिए मिला था। तो यहाँ पे अगर लेस सपोज कि आ जाता तो तकरीबन जो है रॉ प्राइस आपको 30,000-31,000 के आसपास देखने के लिए मिलेगा, एंड बैंक का डिस्काउंट लगा के आप जो है 28,000 तक इसको बाइक कर सकते हो। दोस्तों अब बढ़ते हैं 13 मिनी की तरफ, तो जैसे मैंने आपको 12 मिनी एंड 12 का फर्क बताया था, सेम 13 मिनी एंड 13 का फर्क है। 13 में जो जो फीचर्स मिलते हैं आपको सिनेमेटिक वीडियो वगैरह सब कुछ सारी चीज़ें सेम आपको देखने के लिए मिलती है 13 मिनी में भी, लेकिन वही है स्क्रीन साइज काफ़ी छोटा है। यहाँ पे देखिए मेरे एक फ्रेंड का 13 मिनी है और मैंने जो उसको साइड टू साइड रख के जो स्क्रीन साइज देखा तो आप लोग देख सकते हो लिटरली काफ़ी ज़्यादा छोटा है। अगर आपको जो आईफोन्स के ओल्ड मॉडल याद होंगे जैसे कि आईफोन 5s वगैरह, देखिए मैंने आईफोन 5s के साथ भी रखकर देखा यहाँ पे, तो काफ़ी ज़्यादा छोटा लगता है। आईफोन 6 वगैरह जो ऊपर नीचे पट्टियाँ आती थी डिस्प्ले काफ़ी छोटा लगता था, ठीक उतना ही लगता है आपको 12 मिनी एंड 13 मिनी, तो 5.4 इंच जो है काफी छोटा है, बट यहाँ पे जो है नॉच होने की वजह से आपको थोड़ा जो है ज्यादा डिस्प्ले का एरिया देखने के लिए मिल जाता है, दैट्स इट। बट आपको 13 में जो फीचर है वही सबको 13 मिनी में भी देखने के लिए मिलेगा, अगेन दो कॉम्प्रोमाइजेस, एक स्क्रीन साइज छोटी, दूसरा बैटरी एमएच जो है आपको 13 के अंदर जो है 3240 एमएच की देखने के लिए मिलती है, वहीं 13 मिनी के अंदर जो आपको 2438 एमएच की बैटरी देखने के लिए मिलती है, तो यहाँ पे भी बैटरी में अच्छा खासा फर्क आ जाता है, एंड इसकी भी बैटरी जो है सेम 12 मिनी जैसी है, आपको दिन में दो बार चार्ज करनी पड़ सकती है। अब बात करें 13 मिनी का क्या प्राइस आ सकता है, तो भाई देखिए यहाँ पे 13 मिनी भी जो है ऑलरेडी आउट ऑफ स्टॉक है, और एक चीज अलग ही ट्विस्ट चल रहा है कि 13 से ज्यादा महंगा है 8-9 हज़ार 13 मिनी अभी, अगर आप लोग देखें तो अभी 13 का प्राइस अच्छा खासा ड्रॉप हो गया 52,999 में मिल रहा है 53,000 के आसपास, वहीं अगर मैं बात करूं 13 मिनी का प्राइस फ्लिपकार्ट पे तो 61,999 दिखा रहा है, यानी कि 62,000 और उसके बाद भी जो है आउट ऑफ स्टॉक है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है बिकॉज 13 मिनी जो है ना मिनी मॉडल्स का लास्ट मॉडल है, इसके बाद जो है सारे प्लस ही आए, 14 प्लस आ गया, 15 प्लस अभी आ गया, तो प्लस मॉडल ही आने वाले, बिकॉज मिनी जो है आईफोन्स का उतना सक्सेसर नहीं रहा है तो ये कंटिन्यू नहीं होने वाला आगे, तो 13 मिनी लास्ट मॉडल है 13 मिनी का, तो हो सकता है इस बार स्टॉक क्लियरेंस के लिए 12 मिनी के बजाय 13 मिनी को जो है फ्लिपकार्ट बीबीडी सेल पर लेकर आ जाए, और इसका जो प्राइस होता है नियर अबाउट, बिकॉज यहाँ पे जो 128 GB आता है 13 मिनी बेस वेरिएंट में अपने, नियर अबाउट आपको जो है 35,000-40,000 के आसपास में देखने के लिए मिल सकता है, बट उससे और थोड़ा ज्यादा पैसा दे दोगे 40-43 में तो आपको आईफोन 13 ही मिल जाएगा, बट ऑन अमेजोन। तो ये थी बात 12 मिनी एंड 13 मिनी के फीचर्स एंड प्राइस के बारे में। अब अगर आप लोग जो है आईफोन 12 एंड 13 के जो है डिटेल्स एंड प्राइस वगैरह जानना चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई, आई बटन पे लिंक दे रहा हूँ, जाकर जरूर से चेकआउट कर लो। सो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, आई होप ये वाली वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर लाइक कर देना, चैनल पे जो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से दबा देना इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। बाकी आप लोग कोई भी डाउट्स वगैरह तो कमेंट में जरूर पूछ लेना, मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग कीप शेयरिंग, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं वापस।